हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरा अगेन हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो स्पॉन्सर वीडियो है और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप गूगल प्ले से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, उसको इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन वो एप्लीकेशन आपके एंड्रॉयड के वर्जन के साथ कंपेटेबल नहीं है, तो उस केस में आप कहाँ से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कोई एप्लीकेशन शेयर करना चाहते हैं वो भी बिना इंटरनेट के, तो वो आप कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यही बताने वाला हूं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले आपने करना क्या है, जो भी वीडियो आप ये देख रहे हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आना है, और डिस्क्रिप्शन में अगर आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में देख रहे हैं तो यहाँ पर वीडियो के जस्ट नीचे आपको सो मोर का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पर से क्लिक कर लीजिए। और अगर आप अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं तो ये जो वीडियो का टाइटल है इसके जस्ट बगल में आपको एक आइकन मिलेगा, आप वहाँ पर से क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ सकते हैं। तो जैसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो जो भी आपको पहला लिंक मिलेगा आप वहाँ पर से क्लिक करके इस वेब पेज में आ जाइए, और जैसे आप यहाँ पर से इस वेब पेज में आते हैं तो आप यहाँ पर से आसानी से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इस एप्लीकेशन का नाम है एप्टॉइड, और ये जो एप्टॉइड है ये एक सोशल एप्लीकेशन डिस्कवरी सिस्टम है, और अगर हम कहें तो ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो फोकस्ड है एंड्रॉयड की एप्लीकेशन पे, जहाँ पर आप अपना एक प्रोफाइल बना सकते हैं, अपने लिए एक स्टोर बना सकते हैं, और अगर आप अपनी एप्लीकेशन शेयर करना चाहते हैं, जो आपकी फेवरेट एप्लीकेशन है, आप उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं बिना इंटरनेट को यूज़ किए हुए। और आप एप्टॉइड में अपनी फेवरेट एप्लीकेशन की लिस्ट बना सकते हैं, एप्लीकेशन को रिव्यू कर सकते हैं और उनमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। मैंने यहाँ पर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ही देखिए, मैंने इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में जो है वो इंस्टॉल कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको रन करके। जैसे मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पर से रन करता हूँ तो यहाँ पर ही देखिए, इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाइट वेटेड एप्लीकेशन है। यहाँ पर देखिए, इसमें आपको कुछ टैब्स जो है वो मिल जाते हैं मेन्यू में। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर से आपको होम मिल जाता है, और इसको यहाँ पर आपको स्पॉट एंड शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, टाइमलाइन का ऑप्शन मिल जाता है, इनके बारे में मैं भी आप सभी लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो आपको यहाँ पर से बहुत सारी एप्लीकेशन जो है वो मिल जाती हैं। अगर आपको यहाँ पर से सर्च करना है कोई भी एप्लीकेशन तो आप यहाँ पर से सर्च भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं कोई भी एक एप्लीकेशन ले लेता हूँ, यहाँ पर से हम कोई भी, जैसे ये WhatsApp एप्लीकेशन है, तो मैंने यहाँ पर से WhatsApp में क्लिक करा, और यहाँ पर से जैसे मैंने WhatsApp में क्लिक करा तो यहाँ पर ये WhatsApp की जो एप्लीकेशन है यहाँ पर से खुल चुकी है। और यहाँ पर देखिए, मेरा जो रिकमेंडेशन है आपसे ये है कि अगर आप एप्टॉइड यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर से उन्हीं एप्लीकेशन को यहाँ पर से एप्टॉइड के थ्रू डाउनलोड और इंस्टॉल कीजिए जिसमें यहाँ पर आपको ट्रस्टेड का आइकन मिले। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर से इस एप्लीकेशन को अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से इस एप्लीकेशन को अपडेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अपडेट जो है वो WhatsApp का नया अवेलेबल है। अगर आप अपने एंड्रॉइड फोन में कोई भी एप्लीकेशन का पुराना वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ही देखिए आपको, और दूसरे वर्जन जो है वो मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको पुराना वर्जन भी इसका मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने इसमें क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए, जो हमारा WhatsApp का वर्जन है वो यहाँ पर से आप उसका पुराना वर्जन भी अपने उसमें डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर दिया तो आप उसको रोल बैक भी कर सकते हैं अगर आपके एंड्रॉइड वर्जन के साथ ये एप्लीकेशन कंपेटेबल नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर से अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर से आप इस एप्लीकेशन को रेट कर सकते हैं, आप यहाँ पर से औरों के कमेंट जो है वो पढ़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं इसको बैक कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए, दूसरा जो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर आता है ये आता है स्पॉट एंड शेयर का। तो यहाँ पर से जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ एप्लीकेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से एप्लीकेशन शेयर भी कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। तो मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे आप यहाँ पर से एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन पर बिना इंटरनेट के एप्लीकेशन सेंड और रिसीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर से आपको स्पॉट एंड शेयर पे आना होगा दोनों फ़ोन पे, और उसके बाद यहाँ पर से आपको स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर से दोनों फ़ोन पर स्टार्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर से दोनों फ़ोन पर स्टार्ट पर क्लिक करा तो यहाँ पर ही देखिए, सर्च कर रहा है दूसरे फ़ोन को। तो यहाँ पर से दूसरे फ़ोन में हम क्या करते हैं, क्रिएट ग्रुप पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर से दूसरे फ़ोन पर क्रिएट ग्रुप पर क्लिक करा तो यहाँ पर ही देखिए, अब यहाँ पर से ये जो हॉटस्पॉट है ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर ही देखिए, हॉटस्पॉट इसमें ऑन हो चुका है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर ये हॉटस्पॉट यहाँ पर आपको ये ऑन दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से दूसरे वाले फ़ोन पे ये देखिए, वन प्लस यहाँ पर ये जो मोबाइल फ़ोन है यहाँ पर से स्पॉट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर से देखिए हम क्या करेंगे, इसमें जो एप्लीकेशन है वो ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब शेयर करेंगे बिना इंटरनेट के। तो यहाँ पर देखिए, इंटरनेट इसमें ज़रूरी नहीं है आपके मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट हो एप्लीकेशन शेयर करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो पेयरिंग है वो दोनों फ़ोन में हो चुकी है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर से सेंड ऐप्स में क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर से सेंड ऐप्स में क्लिक करता हूँ, और जैसे मैंने यहाँ पर से सेंड ऐप्स में क्लिक करा तो जितने भी
एप्लीकेशन हमारे मोबाइल फोन पर अवेलेबल है वो सारी की सारी यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से जो हमारी हाउ टू हिंदी की एप्लीकेशन है वो यहाँ पर से मैं इस मोबाइल फोन से इस मोबाइल फोन पर ट्रांसफर करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लिया और जैसे मैंने यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक शेयर का ऑप्शन होता है, तो मैं यहाँ पर से शेयर पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर से शेयर पर क्लिक करा तो यहाँ पर ये देखिए जो एप्लीकेशन है यहाँ पर से तुरंत इस फोन पर आ चुकी है और यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गया है इंस्टॉल का और डिलीट का। तो अगर मैं यहाँ पर से इस एप्लीकेशन को इस फोन पर इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर से इंस्टॉल कर सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर से इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर से डिलीट कर सकता हूँ। और अगर अब मुझे यहाँ पर से इस फोन में एप्लीकेशन ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए यहाँ पर से क्या करना होगा, सेंड ऐप्स में क्लिक करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर सेंड ऐप्स में क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सारी की सारी एप्लीकेशन जो है वो आ चुकी है। अगर अब मुझे यहाँ पर से ट्रांसफर करना होगा तो मैं यहाँ पर से कर सकता हूं। जैसे देखिए मैं यहां पर से कोई एक एप्लीकेशन जो है उसको ट्रांसफर कर देता हूं। मैं यहां पर से ट्रांसफर करता हूं एजेड रिकॉर्डर को, तो मैंने यहाँ पर से इसको सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पर से शेयर बटन पे फिर से क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर से शेयर बटन पे क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन जो है वो तुरंत यहाँ पर से इस फोन पे ट्रांसफर हो चुकी है। तो ऐसे करके आप आसानी से बिना इंटरनेट के एप्लीकेशन जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं एक फोन से दूसरे फोन पर। अब मैं यहाँ पर से इसको बैक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास और भी कई ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक टाइमलाइन का ऑप्शन होता है, आप यहाँ पर से टाइमलाइन में अगर इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर से देखिए टाइमलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पर से इस एप्लीकेशन पे लॉगिन करना होगा। तो आप यहाँ पर से अगर इसमें लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से इसमें लॉगिन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन होता है स्टोर्स का, तो स्टोर्स के लिए भी आपको यहाँ पर से इस एप्लीकेशन में अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा और उसके बाद फिर आप अपने जितनी भी फेवरेट एप्लीकेशन है उसके लिए आप यहाँ पर से स्टोर अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर से आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। तो अगर आप इसमें लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से इसमें लॉगिन भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है अपडेट का, तो जितनी भी एप्लीकेशन आपके फ़ोन पर अवेलेबल है अगर उनका कोई अपडेट नया आ चुका है तो आप यहाँ पर से उनको अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 28 अपडेट जो है वो मेरे पास अवेलेबल है, अगर मैं यहाँ पर से इन एप्लीकेशन को अपडेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर से अपडेट भी कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पास एक और ऑप्शन होता है डाउनलोड्स का, तो जितनी भी एप्लीकेशन आपने यहाँ पर से डाउनलोड की होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैंने अभी यहाँ पर एप्ट्रॉइड से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है इसलिए मेरे को यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन नहीं दिखा रहा। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास एक और ऑप्शन होता है कम्युनिटी का, अगर आप यहाँ पर से कम्युनिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जितनी भी कम्युनिटी यहाँ पर है वो सारी की सारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर से इनमें कमेंट कर सकते हैं, रिव्यू जो है उनके दूसरों के रिव्यू देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैं किसी के भी उसमें चले जाता हूँ, मैंने यहाँ पर से इसमें सेलेक्ट कर लिया, तो जैसे मैंने यहाँ पर से इसको सेलेक्ट करा तो यहाँ पर देखिए इसने जो भी रिव्यू दिया है, अगर मुझे यहाँ पर से इसने 5 स्टार दिए हैं, अगर मेरे को यहाँ पर से ये अच्छा लगा तो मैं यहाँ पर से इसको हेल्पफुल में क्लिक कर सकता हूँ, और अगर मुझे ये अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ पर से नॉट हेल्पफुल में क्लिक कर सकता हूँ। तो ऐसे करके आप आसानी से एप्ट्रॉइड को यूज़ करके अगर कोई पुराना वर्जन एंड्रॉइड का यूज़ करना चाहते हैं एप्लीकेशन का तो आप वहाँ पर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने फ़ोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं अगर वो जो नया वाला वर्जन है आपके लिए आपके एंड्रॉइड के हिसाब से कंपेटेबल नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर से एप्लीकेशन बिना इंटरनेट के शेयर करना चाहते हैं एक मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन पर तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके काम आया तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल वेब और टेक्नोलॉजी से संबंधित लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हाउ टू वीडियो देखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।